ओम श्री गंगाई नाथाय नमः करके अवतार की जय। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की क्या हालत हो गई है ये देखकर मन को बहुत पीड़ा होती। जो हिंदू धर्म अवतारवाद की बात करता है और ये मानता है कि ईश्वर समय समय पर इस सृष्टि में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, वह जो अनंत है वह शांत बनके, वह जो निराकार है साकार बनके इसी पुण्य भूमि भारत भूमि पर प्रकट होते हैं, उस ईश्वर को मानने वाले लोग, अवतारवाद को जानने और विश्वास करने वाले लोग, क्या हालत हो गई है सनातन धर्म की। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट फरमाते हैं कि भूतों को पूजने वाला भूत बन जाता है, प्रेतों को पूजने वाला हे अर्जुन प्रेतों को ही प्राप्त होता है और देवताओं को पूजने वाला उन्हीं की गति में चला जाता है। किंतु ये सब अज्ञानी हैं जो मुझ परमेश्वर को छोड़कर मुझ द्वारा बनाई गई सृष्टि और शक्तियों को पूजते हैं। जो मेरी आराधना करता है मुझ सर्व शक्तिशाली परमेश्वर की शरण में आता है। हे पार्थ, मैं उसे जन्म मृत्यु के इस भव सागर से मुक्त कर देता हूँ और वो मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होकर फिर कभी इस दुख रूप संसार में जन्म नहीं लेता। उस देश के लोग जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता रूपी महाज्ञान ग्रंथ प्रकट कर दिया, उस देश के लोग कैसी छोटी मोटी शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं ये देखकर मन को बड़ी व्यथा होती। भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग सुझाया है हे सनातनी हिंदुओं, उसे छोड़कर तुम कहाँ पैगंबरवादियों के मार्ग पर चलने लग गए। इसलिए समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग अर्थात कल्कि अवतार का प्राकट्य इस विश्व में हुआ है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है भगवान कृष्ण के नाम से हो रहा है। जो कुछ भी मैं लोग ठीक कर रहा हूँ, रोगों से, दुखों से, नशों से, जीवन की पीड़ाओं से जो मुक्ति प्राप्त हो रही है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही चमत्कार है। नाम तो जपना पड़ेगा, गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं, और इसके साथ कोई दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। एक निष्ठ होकर गुरु के प्रति सद्भाव रखते हुए श्री राधा और कृष्ण के इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। क्लिंग कृष्ण क्लिंग। गुरुदेव ये भी फरमाते हैं कि शक्ति के बिना कोई मंत्र कार्य नहीं करता, अर्थात इस मंत्र में राधा तत्व संसार के सारे सुख देती है वो माँ, और कृष्ण तत्व जो सभी प्रकार के दुखों से त्रिविध तापों से मुक्त करके मनुष्य को पूर्ण विकास के सर्वोच्च चरम स्थिति तक ले जाते हैं, जिसे हमारे धर्म में मोक्ष कहा गया है। मुक्ति, सालवेशन, डिलीवरेंस, दे आर मैनी वेज टू कॉल दिस डिवाइन स्टेट। तो हे सनातनी हिंदुओं, आ जाओ समर सद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की शरण में और उस दिव्य मंत्र का जप करो जिसे महर्षि अरविंदो घोष ने संजीवनी मंत्र कहा है। उस दिव्य मंत्र का जप करो जिसे भगवान शंकर ने, जो योग के आदि गुरु हैं, आदिनाथ कहलाते हैं, भगवान शिव ने जिसे नाथों को दिया, मच्छेंद्रनाथ जी महाराज जो कलयुग के आदि गुरु हैं, उनके परम तेजस्वी शिष्य गोरखनाथ जी महाराज से होता होता ये नाथों का मंत्र अंततः शिव अवतार बाबा श्री गंगाई नाथ जी तक पहुंचा और उन्होंने दसवें अवतार गुरुदेव जो कल्कि हैं साक्षात उन्हें ये मंत्र दिया और गुरुदेव के माध्यम से इसका प्राकट्य पूरे विश्व में हुआ है। इससे श्रेष्ठ न कोई मंत्र पहले था न कभी होगा। आइए और इस सनातन मंत्र को सुनिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इस संजीवनी मंत्र की ऐसी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार तक भी पहुंच गया है और वो यदि इस मंत्र का जप प्रारंभ कर दे तो ये मंत्र उसे खींचकर वापस साधारण जीवन की स्थिति में ले आता है। मृत्यु के मुख में गए हुए व्यक्तियों को भी वापस लाने की सामर्थ्य रखता है यह दिव्य मंत्र। किंतु यह मंत्र तभी कार्य करता है जब इसे आप समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की दिव्य वाणी में सुने। अरविंदो घोष ने स्पष्ट कहा है, गुरु की सारी शक्ति उसकी आवाज में होती है। तो गुरुदेव की जो आवाज है वो साधारण ध्वनि नहीं, वो एक दिव्य चेतन शरीर से निकलने वाली चेतन ध्वनि है। गुरुदेव के श्रीमुख से ये मंत्र सुनने के उपरांत ही आप दीक्षित हो जाएंगे और तभी ये मंत्र कार्य करेगा।
आइए इस संजीवनी मंत्र का जप करें और अपने जीवन को सभी प्रकार की पीड़ाओं, दुखों, तकलीफों से मुक्त करके जीवन को आनंदमय बनाएं और अंततः उस दिव्य परम पद मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएं। जय श्री कल्कि अवतार। जय गुरुदेव।